शुरू से 1972 से ही कमल की इस प्रतिभा को देखता था, समझने की कोशिश करता था, लेकिन हमेशा असफल ही रहता था क्योंकि मैं उसका अंदाज तक नहीं कर पाता था। और हम दोनों में इतना कई विषयों में एकदम अलग अलग भाव, जैसे ये कलाकार थे। और हमारे बारे में कहा जाए तो संस्कृत में कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु है, पुच्छ विषाणहीन। कमल को इतनी ऊंचाई पर देखता था 1972-73 में, मेरे लिए वो सब अकल्पनीय था लेकिन प्रशंसनीय था। और मेरी स्थिति आज मन की वही है जैसे घर के एक बड़े की होती है, जिसका छोटा भाई बहुत पराक्रम करे, बहुत कामयाबी हो, तो जैसा वो बड़ा खुश होगा वैसे अभी मैं खुशी से अभिभूत हूँ। आगे और बढ़े और अच्छा करे, और हम इसको देखते हैं, हम इसके विस्मय और हम आश्चर्यचकित हैं कि कमल इतना बड़ा है और बड़ा हो, मैं यही चाहूँगा। आप सबको धन्यवाद।